हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा घरेलू उपाय बताने जा रहा हूँ। यह उपाय आपके हाथ पैरों पर जमी सालों साल पुरानी धूल मिट्टी गंदगी और मैल को निकालकर आपके हाथ पैरों को काफी गोरा चमकदार और सुंदर बना देगा। दोस्तों, यह वीडियो आज का बहुत ही खास वीडियो होने वाला है। आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, जिससे कि आपको एक एक स्टेप इसमें समझ में आ सके कि आपको इस उपाय को किस तरीके से अपने हाथ पैरों पर इस्तेमाल करना है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं क्या है उपाय। दोस्तों, इसके लिए आपको यहाँ पर सबसे पहले जरूरत होगी खाली बाउल की। इस खाली बाउल में आपको सबसे पहले जो चीज लेनी है दोस्तों, वो है यहाँ पर आधा कटा हुआ नींबू। आपको एक आधा कटा हुआ नींबू लेना है और नींबू के बीजों को आपको निकाल लेना है। दोस्तों, नींबू के बीजों को निकालकर आपको आधे कटे हुए नींबू का रस पूरा इसमें निचोड़ देना है। दोस्तों, नींबू का इस्तेमाल हमने यहाँ पर इसलिए किया है क्योंकि नींबू के रस में भरपूर मात्रा में अम्ल और प्राकृतिक शुगर होता है। नींबू के रस में कई ऐसे फायदेमंद पोषक तत्व होते हैं जो हमारी त्वचा व शरीर को कई लाभ देते हैं। इसको हम भारी सुंदरता के साथ साथ और भी कई शारीरिक फायदों के लिए प्रयोग कर सकते हैं। नींबू के प्राकृतिक अम्ल बहुत ही सरल तरीके से मृत कोशिकाओं को निकालते हैं, उम्र के साथ होने वाली झुर्रियों को कम करते हैं और अनचाहे धब्बों को कम करते हैं। इसमें मौजूद अम्ल तेल को सोख लेता है तथा छिद्रों को बंद कर देता है। नींबू का रस हमारी त्वचा पर ब्लीच की तरह काम करता है। इससे हमारी त्वचा पर धूल मिट्टी गंदगी सारी साफ हो जाती है। तो दोस्तों, अगली चीज जो आपको इसमें लेनी है वो यहाँ पर टमाटर का पल्प। आपको क्या करना है, एक टमाटर लेना है। टमाटर को आपको इस तरीके से कद्दूकस करना है और इसका पल्प निकाल कर आपको तैयार करना होगा। इस तरीके से आपका ये पल्प निकल के तैयार है। अब दोस्तों, आपको इस पल्प को इस नींबू के रस में 2 चम्मच के बराबर ऐड करना होगा। दोस्तों, टमाटर के पल्प में प्राकृतिक तत्व और विटामिन्स पाए जाते हैं जो एक्ने को कम करने में सहायता करते हैं। टमाटर नेचुरल एसिड होता है जो कि हमारी त्वचा की धूल मिट्टी गंदगी को साफ करने में मदद करता है। इसमें बहुत सारा विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है जो कि स्किन से ऑयल को साफ करने में मदद करता है। टमाटर ऑयली स्किन के लिए बहुत ही अच्छा होता है। अब इसके बाद आपको लेना होगा दोस्तों यहाँ पर 1 चम्मच बेसन का। दोस्तों, त्वचा पर बेसन का इस्तेमाल सदियों से किया जा रहा है। बेसन हमारे त्वचा के लिए काफी फायदेमंद होता है। इससे हमारी त्वचा के मृत कोशिकाएं निकलती हैं और ये हमारी त्वचा को अंदर से साफ करता है, जिससे हमारी त्वचा काफी गोरी चमकदार दिखने लगती है। फिर इसके बाद आपको इसमें अगली चीज जो लेनी है दोस्तों, वो है बेकिंग पाउडर। आपको बेकिंग पाउडर किसी भी शॉप पर आसानी से मिल जाएगा। बेकिंग पाउडर हमारे त्वचा के ऊपर जो मैल गंदगी और धूल मिट्टी जमी होती है दोस्तों, उसे फुलाने में काफी मदद करता है। इससे हमारे त्वचा की मैल और गंदगी काफी आसानी के साथ में निकलने लगती है। तो आपको इसमें 1 चम्मच के बराबर बेकिंग पाउडर इस्तेमाल करना होगा। दोस्तों, अगर आपके पास बेकिंग का पाउडर नहीं है तो आप यहाँ पर इनो का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप एक इनो लें और एक इनो को पूरा इसमें ऐड कर लें। लेकिन दोस्तों, इस नुस्खे को आपको सिर्फ अपने हाथों और पैरों पर ही इस्तेमाल करना है। इसे आप अपने चेहरे पर भूल कर भी इस्तेमाल ना करें। तो दोस्तों, सारी चीजें लेकर अब आपको इसमें आखिरी चीज जो ऐड करनी है दोस्तों, वो है यहाँ पर दही। आपको इसके अंदर 3 चम्मच दही के ऐड करने होंगे। दोस्तों, दही हमारे त्वचा के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। ये हमारी त्वचा को मॉइस्चराइज करता है, जिससे हमारी त्वचा पर जमा धूल मिट्टी गंदगी काफी जल्दी निकलने लगती है और हमारी त्वचा को अंदर से काफी साफ करता है। अब आपको इसे अच्छे से मिक्स करके इसका पेस्ट बनाकर तैयार कर लेना है। दोस्तों, ये आप देख सकते हैं काफी अच्छे से मिक्स होके तैयार है। अब इसे लगाने का तरीका दोस्तों वो ये है, आप अपने हाथ और पैरों के ऊपर इस पेस्ट को उंगलियों से इस तरीके से लेकर अपने हाथ और पैरों के ऊपर इस तरीके से अप्लाई करें। इस तरीके से लगाकर दोस्तों आप इसे 15 मिनट के लिए ऐसे ही लगा हुआ छोड़ दें। 15 मिनट बाद आपको इसे उंगलियों से इस तरीके से स्क्रब करते हुए छुड़ाना है। इससे आपके दोस्तों शरीर की जितनी भी धूल मिट्टी गंदगी थी सारी फूल कर काफी आसानी से निकलने लगेगी।
तो दोस्तों इस तरीके से आपको स्क्रब करके इसे जो है सादा पानी से धोकर साफ कर लेना है। दोस्तों इस उपाय को करने के बाद में आपके हाथ और पैर काफी गोरे, चमकदार और सुंदर दिखने लगेंगे। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों से शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और हमारे YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, जिससे कि नई नई वीडियो, नई नई जानकारी आप तक पहुंचती रहे। मैं आपके फिर लाऊंगा जैसा वीडियो, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।